उत्तराखंड में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप पूरे जो हिमालय, एंटायर जो हिमालय दिखता है उत्तराखंड से, वहाँ का 360 डिग्री का व्यू मिलता है। एक जगह है चंद्रशिला और दूसरी जगह है क्रौंच पर्वत की टॉप पे भगवान मुरुगन स्वामी यानी कि कार्तिक स्वामी, और कई लोग इनको अयप्पा स्वामी के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं उत्तर भारत के एकमात्र मंदिर कार्तिक स्वामी की इस यात्रा में। आप भी बने रहिए इस डिजिटल जर्नी में हिमालय प्रेमी के साथ। तिलवाड़ा से सुबह 8 बजे हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी मुरुगन स्वामी जी के लिए। तिलवाड़ा से सबसे पहले हम लोग दुर्गाधार आए, बावई गांव से, बहुत सारी गांवों से होता हुआ ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। बावई आया, उसके बाद दुर्गाधार, उसके बाद चोपता आया। एक चोपता यहाँ पे भी है। एक्चुअल में लोग बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं कई बार, अक्सर लोग गूगल पे डालते हैं तो गूगल यहाँ ले आता उनको। एक चोपता यहाँ पे भी है और एक चोपता तुंगनाथ वाला चोपता भी, और यहाँ पे भी तुंगेश्वर का मंदिर है, तुंगनाथ भी बोलते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। उसके बाद हम लोग आए खड़पतिया, उसके बाद घिमतोली आया और कनक चौरी आएगा। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। मेरे ठीक सामने चौखंबा की जो पूरी रेंज है वो दिखाई देती है, बहुत ही खूबसूरत। बीच में गांव है तो बहुत ही शानदार ये रास्ता है, सफ़र का एकदम से मज़ा आ जाता है यहाँ पे। उत्तराखंड में जब केदारनाथ आपदा आई तब से ज़रूरत महसूस हुई ऐसे FM रेडियो की। पहले उत्तराखंड में ये छोटे छोटे जो रेडियो स्टेशन है ये नहीं थे। अभी देखिए यहाँ पे रेडियो केदार करके है 91.2 FM पे। इस प्रकार के जो रेडियो स्टेशन हैं, कहीं पे यदि आपदा आ जाती है, कहीं आगजनी हो जाती है या कुछ घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घटित हो जाती हैं, तो इन रेडियो ने बहुत बड़ा अपना अहम योगदान इन हिल स्टेशनों में दिया है। कार्तिक स्वामी आने के लिए रुद्रप्रयाग से भी आप आ सकते हैं। वैसे तीन रास्ते हैं कार्तिक स्वामी आने के। पहला जो रास्ता है वो रुद्रप्रयाग से है, लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। दूसरा है तिलवाड़ा से, तिलवाड़ा से बावई और बहुत सारे गांवों से होते हुए आप यहां आ सकते हैं। और एक जो तीसरा रास्ता है वो है चंद्रापुरी से। चंद्रापुरी से आप क्यूंजा, कंडारा, चंद्रनगर होते हुए मोहनखाल के बाद ये जगह है कनक चौरी। तीनों जगह से आप कहीं से भी आइए, आपको आना पड़ेगा। ये छोटा सा हिल स्टेशन है कनक चौरी, और कनक चौरी से लगभग 3.5 किलोमीटर की वॉकिंग है। कनक चौरी में भी यदि आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मायादीप के कुछ कॉटेजेज हैं, डीलक्स और सुपर डीलक्स रूम यहाँ पे हैं, और एक दो होम स्टे भी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और एक आध होम स्टे थोड़ा सा आगे है। कार्तिक स्वामी वाले रास्ते में जैसे आप लगभग मंदिर आधा किलोमीटर रह जाता है, तो पूरे रास्ते में आप देखेंगे कि जगह जगह चुनियाँ बंधी हुई हैं, चूड़ियाँ बंधी हुई है, बिंदियाँ लगी हुई पेड़ों पे। तो ये नए लोगों के लिए एक आश्चर्य का ठिकाना रहता है कि पेड़ों पे चुन्नी बिंदी ये कौन लगाता है। तो यहाँ पे कार्तिक स्वामी का जो जीवन था, वो जो उनका लालन पालन था, वो कृतिकाओं के द्वारा किया गया था, और इसीलिए यहाँ पे जो ये पूरे रास्ते में चुनियाँ वगैरह लगी हुई हैं वो समर्पित हैं वन देवियों को।
स्थानीय लोग जब भी आते हैं तो वन देवियों की पूजा जरूर करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के कल्चर में, उत्तराखंड के पूरे परिवेश में वन देवियों का भी एक अहम स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, वन देवियों की कृपा सभी के ऊपर बनी रहती है। इसीलिए रास्ते में आप जगह जगह जहाँ देखेंगे वहाँ पे पेड़ों के ऊपर चुन्नी, बिंदी और बहुत सारी पूजा की जो सामग्री होती है, लेडीजों को जो श्रृंगार की सामग्री होती है, वो वन देवियों को समर्पित की जाती है। सी लेवल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित भगवान कार्तिकेय स्वामी, साउथ में जिनको मुर्गन स्वामी, अयप्पा स्वामी या सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में क्रौंच पर्वत के शिखर पर यह मंदिर समर्पित है देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास भी जुड़ा हुआ है कुमार कार्तिकेय से। कार्तिकेय देव सेनापति होने के कारण बचपन से ही ज़्यादातर अपना समय युद्ध में या राक्षसों के बीच ही युद्ध के रूप में ज़्यादा समय व्यतीत किया। ऐसे में गणेश जी हमेशा माता पिता के साथ रहते थे, तो कार्तिकेय को ये लगा कि माता पिता यानी कि शिव और पार्वती गणेश से ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और मुझसे कम प्रेम करते हैं। और एक दिन कार्तिकेय ने ये बात अपने माता पिता को भी बता दी और कार्तिकेय के मन में गणेश जी के लिए ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। भगवान महादेव ने एक दिन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया, गणेश और कार्तिकेय को बुला के कहा कि मैंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, पूरे ब्रह्मांड के जो 3 चक्कर सर्वप्रथम लगाएगा और चक्कर लगा के सबसे पहले जो कैलाश पे वापस आएगा वो देवताओं में प्रथम पूजनीय का अधिकारी बनेगा। इस प्रतियोगिता के आयोजन का जो प्रायोजन था वो महादेव जी को ऐसा लगा कि इसमें कार्तिकेय और गणेश के बीच जो ईर्ष्या और द्वेष है वो खत्म हो जाएगा। समस्त देवी देवताओं एवं पूरे ब्रह्मांड की निगाहें अब इस प्रतियोगिता के ऊपर थी, कौन देवताओं में प्रथम पूजनीय होने का अधिकारी बनेगा। जब देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के वापस आए तो देखा प्रतियोगिता का जो रिजल्ट है वो आ चुका था, समस्त देवी देवताओं ने और महादेव शिव और पार्वती ने प्रथम पूजनीय होने का जो अधिकार है वो गणेश जी को दे दिया है। गणेश जी कहीं इधर उधर नहीं गए, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक मैसेज दिया कि पूरे विश्व से माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने 3 बार माता पिता की परिक्रमा की और सीधे कैलाश पर चले गए और विजयी घोषित हो गए। ये रिजल्ट सुन के जब इसका परिणाम कुमार कार्तिकेय ने देखा तो वो बहुत नाराज हुए और वो कैलाश पर्वत छोड़ के अपने समस्त परिवार को छोड़ करके दक्षिण भारत की तरफ निकल गए। लेकिन आज भी हड्डियों के ढांचे के रूप में स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं कि कार्तिकेय यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए स्थानीय जितने भी गाँव हैं उनके कुल देवता आज भी कुमार कार्तिकेय ही हैं। कार्तिक स्वामी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान होने के साथ साथ माना जाता है माउंटेन लवर के पैराडाइज के रूप में। यदि आप पीक लवर हैं, आप पर्वत की चोटियों से प्यार करते हैं, आप हिमालय प्रेमी हैं तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मैं अगर कुछ पर्वतों श्रेणियों की बात करूं, कुछ जो माउंटेन्स फेमस माउंटेन्स पीक जो यहां से दिखाई देती है, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से बात करूं तो सबसे पहले इधर से बालाकुन है, चौखंबा 1, 2, 3 है, इस तरफ आते रहेंगे तो जानोकोट है, उसके बाद मंदानी है,
मंदानी ट्विंस है, स्वतोपंत है, भागीरथी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यौनबुक कॉल है, खर्चकुंड है, सुमेरु है, केदारनाथ मेन है, केदार डोम है, इधर भरतकुंटा है, थलई सागर है और इस तरफ जोगिन पीक है। दोस्तों नॉर्थ इंडिया के एकमात्र टेंपल कार्तिक स्वामी का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हिमालय के सियावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हिमालय के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।